दोस्तों, टीवी इंडस्ट्रीज़ हो या फिर बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ हो, वहाँ पर अपनी जगह बनाए रखने के लिए हमेशा अपने आप को अच्छा साबित करना ही पड़ता है। फिर वो चाहे हेयर स्टाइल से हो या फिर मेकअप से हो और या फिर कपड़ों से ही क्यों ना हो। और दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि टीवी एक्ट्रेस और ये बॉलीवुड के जो एक्टर हैं, ये अपने मेकअप को लेकर, ये अपने बालों की हेयर स्टाइल को लेकर और ये अपने कपड़ों को लेकर कई बार चर्चाओं में भी आ जाते हैं। और ऐसे ही दोस्तों अंकिता लोखंडे के साथ भी एक अवार्ड फंक्शन के दौरान हुआ था। जी हाँ दोस्तों, एक अवार्ड फंक्शन के दौरान अंकिता लोखंडे बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और बहुत ही ज़्यादा बोल्ड भी लग रही थी, जिसकी वजह से वहाँ पर उनको उप्स मोमेंट का शिकार होना पड़ा और उनको मीडिया और कैमरा वालों से छुपना पड़ा। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था, चलिए हम आपको आगे वीडियो में बताते हैं। उसके पहले दोस्तों, अगर आप लोग अंकिता लोखंडे के फ़ैन हो तो एक लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, टीवी सीरियल पवित्र रिश्ता में अर्चना का रोल निभाने वाली अंकिता लोखंडे का जन्म 19 दिसंबर 1984 में मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। और अंकिता लोखंडे हमेशा से ही एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी और इसी वजह से वो मध्य प्रदेश से मुंबई आ गई। अंकिता लोखंडे को जब पहली बार कोई शो में काम करने का मौका मिला तो वो शो था पवित्र रिश्ता। और ये शो पवित्र रिश्ता बहुत ही ज़्यादा सुपरहिट रहा और इस शो को लोगों ने भी बहुत ही ज़्यादा पसंद किया था। और इसी शो की वजह से अंकिता लोखंडे के बहुत लोग जानने लग गए और अंकिता लोखंडे को पसंद भी करने लग गए। वही दोस्तों, आप लोग को इस शो में सुशांत सिंह भी लीड रोल में देखने को मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही बढ़िया किरदार निभा रहे हैं और वो भी एक बहुत ही बढ़िया कलाकार थे। अंकिता लोखंडे ने इस पवित्र रिश्ता शो में पूरे 5 साल तक काम किया और उस शो में इनका नाम अर्चना था। और इसी वजह से घर घर में अंकिता लोखंडे को अर्चना के नाम से पहचानने लग गए। लेकिन दोस्तों, अंकिता लोखंडे इस टीवी सीरियल में काम करने के बाद किसी भी और टीवी सीरियल्स में काम करते नजर नहीं आई हैं। और फिर काफ़ी समय के बाद अंकिता लोखंडे को एक मूवी में काम करने का मौका मिला और उस मूवी का नाम था मणिकर्णिका। इस मूवी में अंकिता लोखंडे झलकारी बाई का रोल निभाते हुए कंगना रनौत के साथ में दिखी। अब इसी मूवी के बाद अंकिता लोखंडे बॉलीवुड की दुनिया में अपना नाम बनाने में लग चुकी थी। और फिर इनको एक और मूवी में काम मिला जिसका नाम था बागी 3, जिसके अंदर अंकिता लोखंडे श्रद्धा कपूर की एक दोस्त का किरदार निभा रही हैं। अब दोस्तों, एक तरफ अंकिता लोखंडे पूरी कोशिश कर रही है बॉलीवुड में अपनी एंट्री करने के लिए, बॉलीवुड में अपना पांव जमाने के लिए, लेकिन एक तरफ दोस्तों ऐसे भी मोमेंट हो जाते हैं जहाँ पर अंकिता लोखंडे को उप्स मोमेंट का शिकार होना पड़ता है। हाल ही में अंकिता लोखंडे ने अपने अवार्ड फंक्शन के शो में एक ऐसी ड्रेस पहनी थी जिसको लेकर वो बहुत चर्चाओं में रही थी। अंकिता लोखंडे की ये ड्रेस अंकिता लोखंडे को बहुत ही ज़्यादा बोल्ड दिखा रही थी और बहुत ही ज़्यादा ओपन दिखा रही थी, और जिसकी वजह से अंकिता लोखंडे खुद कंफर्टेबल नहीं लग रही थी। और उसी ड्रेस को सही करने के लिए अंकिता लोखंडे की ड्रेस मेकर बार बार आगे आ रही है और उसी वजह से वहाँ पर अंकिता लोखंडे को उप्स मोमेंट का शिकार होना पड़ता है। और अंकिता उस ड्रेस में पूरी तरह से कंफर्टेबल है, ऐसा मीडिया और कैमरामैन्स को दिखाने की कोशिश करती है। अब दोस्तों, अंकिता लोखंडे के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। अंकिता लोखंडे कई बार ऐसे कपड़े पहन चुकी हैं और उनके साथ कई बार ऐसा हो चुका है। और दोस्तों, बॉलीवुड और टेलीविज़न की दुनिया में ये सारी बातें आम हैं, क्योंकि वहाँ पर ये सब कुछ होता ही रहता है। अब दोस्तों, चाहे टीवी स्टार हो या फिर बॉलीवुड के कोई स्टार्स हो या एक्ट्रेस हो, हर किसी को अपने आप को बनाए रखने के लिए, अपने आप को खूबसूरत साबित करने के लिए ये सब कुछ करना ही पड़ता है। और कभी कभी ऐसे उप्स मोमेंट भी हो जाते हैं जिनको इग्नोर करना पड़ता है। फिलहाल दोस्तों, अंकिता लोखंडे तो इस मामले में बहुत ही सही है, क्योंकि अंकिता लोखंडे इतना ओपनली, इतना खुलकर नहीं आती है किसी भी इंटरव्यू में। बाकी आप लोगों ने बॉलीवुड की और भी एक्ट्रेस को देखा होगा जो कि सारी हदें पार कर जाती है और उनको उस चीज़ से कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, आप लोग अंकिता लोखंडे की इस ड्रेस को लेकर आप लोग क्या कहना चाहते हो, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि अंकिता लोखंडे हमारी भी फेवरेट टीवी एक्ट्रेस है, लेकिन क्या आप लोग की फेवरेट एक्ट्रेस है या नहीं है, उसके बारे में भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, ऐसी बॉलीवुड की और वीडियोज़ देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ज़रूर दबाएँ।